Hey, Bob. मैं तो आपके दोस्तों के गम में शरीक होने आया था। गवान मोहतरम अजीज, जिनको हम 11 तारीख के अगले दिन से ही कॉल आने शुरू हुई थी, अपनी कोशिशें कर रहे थे, साथ में ये दुआएं भी मांग रहे थे कि अल्लाह करे वो हयात हो। काफ़ी मुश्किल हालात में हमें फ़ोन आते थे दोस्तों के, अजीज़ अकारिब जो हमारे इधर दोस्त हैं उनके, और कुछ बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी मीडिया और कुछ हमारे अपने भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी हाइप क्रिएट की गई वहाँ पे, एहसास यहाँ पे जो दोस्त खबरें भेज रहे थे उनको ये एहसास नहीं था कि पाकिस्तान में अजीज़ अकारिब पे क्या गुजर रही थी। तो जो भी हमें दोस्त मिलता था उनसे यही अर्ज़ करते थे कि इस वक्त बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, पता नहीं चलता, जो ख़बरें पहुँचाएँ तो वो उस तरह की पहुँचाएँ कि जहाँ उनका तसल्ली हो, तस्कीन हो, ना कि उनको और जो मुश्किल हैं उसमें इजाफा हो। उस वजह से फिर हमारे जितने भी कॉलीग्स थे एम्बेसी में, उन हम सब की कोशिश यही थी गाय बगाय जिस जिसको मौका मिलता है, जो भी चैनल हमें मिलता था उस पर हम कोशिश करते थे कि यहाँ की जो हालात हैं उनको बेहतर तरीके से पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अप्रोचेज हुई थी, जो कुछ नाम दोस्तों का आए थे काफ़ी हद तक, आप दोस्तों की मेहरबानी, आप लोग हम लोग शिकायत तो करते हैं कि आप लोग हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन हकीकत यह है कि आपका अपना नेटवर्क इतना मज़बूत है, चाहे हमारे उसमें डेटाबेस में ना भी हो, कि आपने इतना अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। ठीक है, मौलाना साहब इस तरफ फरमा रहे थे कि एसोसिएशंस हैं, पार्टीज़ हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसका फ़ायदा ये भी है कि जो भी एसोसिएशन है, जो भी पार्टी है, वो अपना एक नेटवर्क बना लेती है, उस वजह से हमारे लिए भी आसानी होती है। और हमें ये सुकून मिला कि जितनी भी हमारे जो टेलीफोन नंबर्स थे, कॉल्स आती थी, जो भी नंबर मिलता था, हम अपने जो रिसोर्स थे, जिन दोस्तों को जानते थे उनको बताते थे, फिर वो आगे अपने भी कॉन्टैक्ट्स को बताते, उससे हमारे काफ़ी मुश्किलात आसान हो गई। और हम बर वक्त जो फैमिलीज थी पाकिस्तान में उनको इत्तला दे सक रहे थे कि जी हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है। तो उस लिहाज से मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये आपकी हिम्मत थी, आपका जो प्रोएक्टिव अप्रोच थी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करने की, कि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है सिवाय मरहूम अलबत साहब के, कोई पाकिस्तान नहीं ऐसी मुश्किल में हुआ। जहाँ तक हालात यहाँ के हालात का जिस महवर पे जा रहे हैं, जिस तरह से जा रहे हैं, शुरू में एक या दो दिन जिस तरह की रिपोर्टिंग पाकिस्तान में गई थी, काफ़ी तश्वीश हमारे दोस्तों में इधर पाई जा रही थी, लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो हमने आपसे जो अर्ज़ की उसको आपने तहम्मुल से सुना और हमें हमारे ऊपर एतबार किया कि जो हम कह रहे थे वो दुरुस्त था। काफ़ी कम्युनिटीज़ में पैनिक फैला था और कोई अच्छा नाम उस लिहाज से आप नहीं कमाते जब इस तरह के पैनिक में आप निकल जाते हैं, अपनी एम्बेसियाँ बंद कर जाते हैं, एम्बेसियाँ रीलोकेट करते हैं। ये नहीं है कि हुकूमत जापान इन चीज़ों को नहीं देख रही, बिल्कुल देख रही है, और हर रोज़ाना जो हमारी इधर ब्रीफिंग होती है उसमें बताया जाता है कि जितनी एम्बेसियाँ बंद हो गई हैं, इतने लोग यहाँ से रीलोकेट हो रहे हैं, और कहीं कहीं वो थोड़ा सा अपनी खफगी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक किस्म का अपनी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस करते हैं कि इस वक्त हमारे मुश्किल वक्त है, उसमें आप हमारे साथ देने के बजाय आप अपनी चीज़ों को तरजीह देते हैं। ठीक है, हर मुल्क